ये वियना में अगर आपने ट्रैवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, तो ये उसके लिए मशीन है। इसमें आप देखें, ये लैंग्वेजेस की ऑप्शन है, इसमें तीन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, इटालियनो, फ्रेंच से। तो आप इंग्लिश चूज़ करें, फिर इसमें ये इन्होंने ऑप्शन दे रखी हैं, वन ट्रिप फुल प्राइस, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये 240 एक ट्रिप की प्राइस है। चलें इसको हम देखते हैं बैर जाकर, इसमें वीकली टिकट्स हैं, वन ट्रिप डिस्काउंटेड प्राइस है, वो बच्चों के लिए होती है। अगर हम इस पे जाते हैं 24 आवर्स टिकट प्राइस, 24 आवर्स वियना टिकट, तो ये नंबर ऑफ टिकट आप चूज़ करें, 1, 2, 3 जितने भी आप लोग हैं, इसकी प्राइस 8 यूरो है फॉर 24 आवर्स। तो आप जिस वक्त भी इसको परचेज़ करेंगे, तो उससे नेक्स्ट 24 आवर्स आप तो वो टिकट वैलिड रहेगी। उसमें आप अंडरग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, ट्रैम और बसेस जो ओवरग्राउंड चलती हैं। तो ये वियना के लिए आपको एक चीप ऑप्शन अवेलेबल है, बजाय आप गाड़ी, अपनी गाड़ी या टैक्सी में जाएं, अपनी गाड़ी में जाएंगे तो पार्किंग का यहाँ पे मसला रहता है, तो बजाय उसके हेडेक लेने के, सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करें। अभी हमने schonbrunn पैलेस का टूर किया है। असल में अनफॉर्चुनेटली हम अंदर की वीडियो या फोटोग्राफ नहीं उतार सकते, तो ये 17th सेंचुरी का बनाया हुआ पैलेस है। तो बस यही है कि बहुत ही खूबसूरत, और ये यहाँ का वियना का आप ये समझ सकते हैं कि मेन अट्रैक्शन है वियना की। तो अगर आप वियना विज़िट करें तो ये आप ज़रूर इधर आएँ। इस वक्त हम रॉयल गार्डन में आ गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो चलें देखते हैं आगे कैसी खूबसूरत सीनरीज हैं हमारे लिए। चलिए मेरे साथ रहिए। Thank you.
जनाब, अब हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आकर बैठे हैं। यहाँ पर एक तो वियना फिल्म फेस्टिवल 2019 हो रहा है, और इसके बाहर ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लोगों के बैठने के लिए और म्यूज़िक परफॉर्मेंस का बंदोबस्त किया है। तो चलें आप सुने, थोड़ा सा म्यूज़िक देखें, आपको भी म्यूज़िक सुनाते हैं। प्लीज़।